ये अभी देख के मुझे तो मतलब बहुत ही शॉकिंग लग रहा है, क्या हो गया है मेरे बाइक को। सर्विसिंग होने के बाद ये सिग्नल क्यों आ गया है, तो देखते हैं ये इशू कब तक सॉर्ट आउट होता है। आप लोग भी बने रहो ताकि आपको भी फर्स्ट सर्विसिंग का एक्सपीरियंस यहाँ पे लाइव देखने के लिए मिले। वेलकम गाइस वंस अगेन न्यू ब्लॉग, और आज आया हूँ मैं मेरे हार्ली डेविडसन X44 का सर्विस कराने, और ये मेरा फर्स्ट सर्विस है और ये सर्विस सेंटर है हीरो मोटर कॉर्प का। आप लोगों को जिनको पता नहीं मैं बताना चाहूँगा, हार्ली ने हीरो के साथ कोलाब किया और अगरतला में नीलाद्री मोटर्स पे आप लोगों को मिल जाएगा हार्ली का बाइक जो कि अभी लॉन्च हुआ है हाल ही में। अब बाइक का अगर सर्विसिंग कराना है तो वो भी आपको पॉसिबल होगा बिकॉज ऑफ हीरो मोटर कॉर्प के साथ हार्ली का कोलाबोरेशन। तो अभी मैं आया हूँ काशीपुर नीलाद्री मोटर्स के सर्विस सेंटर में। अभी इनसाइड जाऊँगा, पहले मालूम करूँगा क्या कुछ मुझे चाहिए सर्विसिंग के लिए, पैसा कितना लगेगा फर्स्ट सर्विसिंग। वैसे तो सर्विसिंग फ्री है, तो क्या कुछ पैसा लगता है वो भी हम मालूम करेंगे। तो चलिए इनसाइड चलते हैं। सो गाइस बाइक आया है फर्स्ट सर्विसिंग के लिए, आप लोग देख सकते हो। और पहले यहाँ पे वॉश किया जाएगा, उसके बाद बाकी सारे चीज़ किया जाएगा इनसाइड। पूरा डेडिकेटेड एक चैम्बर बना के रखा है हार्ली वालों ने इनसाइड सर्विस के लिए, मगर अभी तो फिलहाल इसको वॉश किया जाएगा। तो कैसा प्रोसेस होता है फर्स्ट सर्विसिंग का हार्ली डेविडसन का अगरतला नीलाद्री मोटर सर्विस सेंटर के अंदर, वही आप लोगों को पूरा दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग ब्लॉग पे एंड तक बने रहना। तो गाइस प्यारी दुल्हन के जैसा इसको अभी नहलाया गया है, आप देख सकते हो अच्छे से। आगे का प्रोसेस आप लोग बने रहो तो ही देख पाओ। तो यहाँ पे अभी इसको फोम से धोया जा रहा है, आप देख सकते हो फोम का प्रयोग किया जा रहा है। ये अभी आप देख सकते हो फोम से पूरा नहलाया जा रहा है इसको अच्छे से। तो फोम वॉश चल रहा है, पहले पानी से वॉश किया गया, अब फोम से वॉश किया जा रहा है। अभी फिर नहीं खेला जा रहा है पानी से, अभी फिर से क्लीनिंग किया जा रहा है। हाई प्रेशर वाटर यहाँ पे देख सकते हो स्प्रे किया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से यहाँ पे धोया जा रहा है ताकि एक भी छोटे से छोटे मिट्टी का भी पार्टिकल्स ना रहे इसमें। सो गाइस अभी सूख गया है बाइक को, बाहर रखा गया था सूखने के लिए, अभी सूख गया है। अभी यहाँ पे होगा इसका मेन सर्विसिंग, ये एक्सक्लूसिव भी रखा गया है हार्ली के सर्विस के लिए ही। तो अभी सर्विसिंग से पहले का प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है इनसाइड, इसको फिक्स किया जा रहा है, एडजस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे अभी प्रोसेस चालू हो चुका है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भैया कुछ कर रहा है, देख सकते हो नीचे से अभी जो मोबिल है उसको छोड़ा जा रहा है। तो मोबिल यहाँ पे निकल के गिर रहा है, आप देख सकते हो। तो मोबिल फिल्टर को चेंज किया जाएगा, इसका अच्छा खासा कॉस्टिंग आता है और वो आपको फर्स्ट सर्विसिंग पे भी पे करना पड़ेगा। तो देखता हूँ क्या कुछ इसका बिल बनता है। तो अभी मोबिल जो है उसको छोड़ा जा रहा है चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे अभी मेंटेनेंस किया जा रहा है, आप देख सकते हो मोबिल फिल्टर को खोला जा रहा है। तो ये अभी मोबिल फिल्टर जो है हार्ली का मेरा ओपन हो रहा है, ये देख सकते हो आप, फिल्टर को ओपन किया गया है। अब पूरा फिल्टर को निकाला जाएगा, ये देखो अभी फिल्टर को निकाला गया है। तो गाइस ऑयल को पूरा निकाल लिया गया है, आप देख सकते हो पूरा मोबाइल फिल्टर को भी पूरा निकाल लिया गया है। और ये आप देख सकते हो आपका जो मोबिल है वो पूरा निकाला गया है, अब नया मोबिल यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा और पूरा प्रोसेस ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग ये ब्लॉग पर जुड़े रहिए ताकि आप लोगों को पूरा देखने के लिए मिले कि हार्ली का फास्ट सर्विसिंग कैसा होता है मेरा एक्सपीरियंस। बहुत ही लाल प्यार से इंजन को अभी खोलने का काम चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो ये है इंजन इसका, और इसका जो स्क्रू है वो सारे एक एक करके निकाला जा रहा है सर्विस करने के लिए। और इसका किट भी आ रहा है जो कि एक्सचेंज होगा, अभी तीन किट होगा जो चेंज किया जाएगा, देखते हैं। ये आ गया हम लोगों का मोबिल, ये 2.8 लीटर का हार्ली डेविडसन का एक्सक्लूसिव मोबिल चेंजर है। तो इंजन ऑयल जो है यही चेंज किया जाएगा, और इसका प्राइसिंग मैंने ऑलरेडी चेक किया है 2700 का है। बाहर आप लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, मगर अभी इसके बॉडी पे प्राइस 2700 लिखा हुआ है। तो यही आपको चाहिए हार्ली के इंजन ऑयल चेंज करने के टाइम। भाई साहब अभी आप लोग देखो हार्ली को पूरा खोल दिया गया है, यहाँ पे इंजन आप देख सकते हो ओपन है आप लोगों के सामने है। यही इंजन का असेंबलिंग में जब भी गया था फैक्ट्री टूर पे देख के आया था, और अभी फिर से देख रहा हूँ।
ये देखो इंजन को अभी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रोसेसिंग कैसे होता है, सर्विसिंग का फर्स्ट सर्विसिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी इसको थोड़ा क्लीन किया जा रहा है, एक एक चीज़ को बारीकी से क्लीन किया जा रहा है। तो होप गाइस आप लोग थरोली एंजॉय कर रहे हो इस ब्लॉग को, हाल ही के फर्स्ट सर्विसिंग एक्सपीरियंस वो भी एंड टू एंड आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना प्रोसेस हो रहा है वही आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है साउंड थोड़ा सा आप लोगों को ब्लजी लगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अदर बाइकों का भी काम चल रहा है, तो थोड़ा साउंड नॉइस के साथ होगा, थोड़ा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। तो अभी देखो कैसे इसको क्लीन किया जा रहा है। तो यहाँ पे इंजन को अभी थोड़ा सा क्लीन किया जा रहा है, और यहाँ पे जो इंजन का बॉक्स को खोला गया है उसको भी थोड़ा सा ऊपर से डस्ट को शायद रिमूव किया जा रहा है। हर चीज़ आप लोगों को एक्सक्लूसिवली दिखा रहा हूँ नीलाद्री मोटर कोप के सर्विस सेंटर से काशीपुर अगरतला में। और देख सकते हो आप लोग कैसे किया जा रहा है, भैया कैसे कर रहा है इसको सर्विस। तो गाइस बाकी के दो और किट जो था वो भी आ गया है, एक गैस कट है और कार्टिजेस है। तो ये क्या है भैया? ऑयल फिल्टर। और ये वाला? अच्छा हाँ गास्केट। अच्छा तो ये तीनों किट चाहिए सर्विसिंग के लिए। तो भाई देख सकते हो क्या क्या चीज़ें सामान चाहिए होगा एट द टाइम ऑफ सर्विसिंग। ये आपको ऑयल तो चाहिए होगा, फिर एक गास्केट चाहिए होगा, और ये एक ऑयल फिल्टर जो अभी निकाला गया है उसको रिप्लेस किया जाएगा इससे। तो ये अभी भैया खोल रहा है, तो ये आप लोगों को चाहिए होगा। और इसका क्या कुछ कॉस्टिंग आता है वो सर्विसिंग के बाद बिल मिलेगा तो ही पता चलेगा, आप लोगों को बताऊंगा, तो आप बने रहो। ये देखो गास्केट को निकाला गया है, अभी डालेगा इसको। एकदम न्यू गास्केट को ओपन किया गया है, बॉक्स से ओपन किया गया है, और इस गास्केट को पहले यहाँ पे ऐड किया जाएगा। देखता हूँ भैया कैसे इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गास्केट को ऐड करने का प्रोसेस चल रहा है, गास्केट को अभी ऐड किया जा रहा है। किट हार्ली डेविडसन का सील पैक में आ रहा है, आप देख सकते हो ब्रांडिंग भी है हार्ली का। तो अभी यहाँ पे गास्केट को लगाया जा रहा है, आप देख सकते हो। अच्छा ये क्लीनिंग प्रोसेस के लिए है, डस्ट को क्लीन करने के लिए है, जो भी यहाँ से वेस्टेज निकला है इसको फिल्टर करने के लिए ये डाला गया है। तो यहाँ से ये निकल जाएगा कचरा, ये देख सकते हो मोबिल को डाला जा रहा है अभी। जितना भी मेरे इंजन से मोबिल निकला है वो सारे मोबिल को यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्टेज के जैसा फेंका जा रहा है। गास्केट भी है उसमें, और वो कार्टेजेस भी है जिसको आप लोग ऑयल इंजन, ये ऑयल फिल्टर है ना, ऑयल फिल्टर भी कह सकते हो। तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे वेस्ट डाला जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा, अभी ऑयल फिल्टर जो है वो लगाया नहीं गया है, जिसको आप लोग कार्टेजेस भी कहते हो, वो अभी रखा गया है। पहले इंजन का जो एक्सटीरियर है उसको डाला जा रहा है, वो जब फिक्स हो जाएगा उसके बाद ही उसको शायद प्रोसेस किया जाएगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा और देखना। तो गाइस अभी आप देख सकते हो ऑयल फिल्टर को इनसाइड डाला गया है, और ऑयल फिल्टर को अभी ऐड अंदर डाल दिया गया है। न्यू ऑयल फिल्टर आप लोगों को ऐड करना है, मोबिल चेंज के साथ ऑयल फिल्टर भी नया डालेगा, और उसके साथ आप लोगों को जो दिखाया था और एक पार्ट जो इनसाइड डाला गया था वो तो डालना ही है। तो ये तीन चीज़ें बेसिक है। अभी ऑयल फिल्टर ऐड कर लिया गया है, अभी सिर्फ बाकी है ऑयल डालने का। इंजन ऑयल अभी ऐड किया जाएगा, वो बाकी है। उसके बाद मेरा ब्रेक, मैंने थोड़ा फील किया है कि ब्रेक जो है ना वो थोड़ा कम लगता तो है, मगर जैसे ही फोर्थ फिफ्थ सिक्स गियर में आता है, जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ मुझे लगता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लेट होता है ब्रेक लगने में। तो ये भी मैं थोड़ा दिखाऊँगा आज इस सर्विस के दौरान। तो अभी ये देख सकते हो मेरा ऑयल जो है वो ओपन किया जा रहा है, ये सारे सील पैक रहेगा, और ये आप ही के लिए एक्सक्लूसिव होगा। इसका प्राइस तो मैंने पहले ही बोला आपको कितना लिखा है, बाकी टोटल बिल कितना होता है मैं वो भी बताऊंगा आपको। अभी ये ऑयल डाला जाएगा, तो बाकी जितना भी बाकी रहेगा ऑयल वो हमें दे दिया जाएगा, और उसको आपको 3 महीने बाद फिर से लाना है कि बाकी का जितना भी 300 ml तक ऑयल रहेगा वो ऑयल शायद 3 महीने बाद फिर से डाला जाएगा, और उसका कोई अलग से आपको सर्विसिंग चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेक करके वो डाल दिया जाएगा। ये हमें यहाँ से अथॉरिटी वालों ने बताया है। अभी ऑयल फिल्टर ऐड कर लिया गया है, अभी सिर्फ बाकी है ऑयल डालने का। इंजन ऑयल अभी ऐड किया जाएगा, वो बाकी है। उसके बाद मेरा ब्रेक, मैंने थोड़ा फील किया है कि ब्रेक जो है ना वो थोड़ा कम लगता तो है, मगर जैसे ही फोर्थ फिफ्थ सिक्स गियर में आता है, जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ मुझे लगता है कि
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लेट होता है ब्रेक लगने में, तो ये भी मैं थोड़ा दिखाऊंगा आज इस सर्विस के दौरान। तो अभी ये देख सकते हो मेरा ऑयल जो है वो ओपन किया जा रहा है, ये सारे सील पैक रहेगा और ये आप ही के लिए एक्सक्लूसिव होगा। इसका प्राइस तो मैंने पहले ही बोला आपको कितना लिखा है, बाकी टोटल बिल कितना होता है मैं वो भी बताऊंगा आपको। अभी ये ऑयल डाला जाएगा तो बाकी जितना भी बाकी रहेगा ऑयल वो हमें दे दिया जाएगा, और उसको आपको 3 महीने बाद फिर से लाना है कि बाकी का जितना भी 300 ml तक ऑयल रहेगा वो ऑयल शायद 3 महीने बाद फिर से डाला जाएगा, और उसका कोई अलग से आपको सर्विसिंग चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेक करके वो डाल दिया जाएगा। ये हमें यहाँ से अथॉरिटी वालों ने बताया है। यहाँ से अभी ऑयल डाला जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो सेटअप, अभी ऑयल डाला जा रहा है, ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है ऑयल डालने। तो ये देखो ऑयल अभी ऐड किया जा रहा है, ऑयल फिल्टर चेंज, ऑयल डालना और उसके साथ वो जो गैस कट, ये 3 बेसिक चीज़ें होगा जो कि आपको फर्स्ट सर्विसिंग पे करवाना ही है, और उसका कितना चार्जेस लगेगा एक्स्ट्रा वो हम बताएंगे इस वीडियो के एंड पे। अपर है हाँ, ये जो ऑयल का इंजन ऑयल का लेवल है, अच्छा ये जो ऊपर वाला है हाँ, अपर अपर है, ऊपर वाला हाँ, हाई है, हाँ, लो वाला है, लो है। अगर ये नीचे आ गया हाँ, तो ये लो हो गया मतलब, तो फिर से ऑयल चाहिए होगा। तो ये क्या पूरा नहीं डालना है अभी, पूरा नहीं डालना है, पूरा नहीं डालना, हाई नहीं करना है, एकदम हाई नहीं करना है, इतना गैप रहेगा, रहना चाहिए। अच्छा तो अभी ये जो बाकी का ऑयल बच गया है ये ऑयल का 3 महीने बाद फिर से डालेंगे, फिर से डाल सकते हैं जब ये थोड़ा लेयर नीचे चला आएगा। ये लॉयर से नीचे नहीं होना चाहिए और ये अपर से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो मुझे आज ही पता चला, तो भैया ने एक इन्फॉर्मेशन दिया है जो कि शायद आप लोगों को भी काम पे आएगा। ध्यान रखना यहाँ पे जो इंजन ऑयल का लेवल है वो शो किया जाता है, ये लॉयर है, ये जो आप देख सकते हो एक मार्क है, ये लॉयर है, ये अपर है, लॉयर से नीचे नहीं होना चाहिए, अपर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे ये ऑयल जो अभी इतना है ये थोड़ा कम होके नीचे आ जाएगा तो फिर से डालना है, और इसके ऊपर नहीं डालना है, थोड़ा गैपिंग रहेगा। ऑयल भी अभी डाल चुका है, तो अभी भैया लोगों को थोड़ा मैंने बोला ब्रेक को चेक करने के लिए, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस था चलाते हुए कि जो ब्रेक है वो 4th, 5th, 6th गियर में जो आप प्रेस करते हैं तो थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिले होता है ब्रेक लगने में, तो ये मुझे एक इशू था जो कि मैं भैया को बोला, तो भैया अभी देख रहा है क्या कुछ ब्रेक का कर सकता है और ब्रेक सही हो जाए, उसका ही प्रोसेस अभी चल रहा है। गाइस ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट है सर्विसिंग, तो अभी मेरे बाइक को नीचे ढलान पर लाया जा रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट डन है सर्विसिंग। प्रॉपरली आपको ध्यान रखना है, ऑयल प्रॉपरली डाला जाए, ये वाला ऑयल और गैस कट और साथ में जो इंजन फिल्टर रहता है वो 3 चीज़ चेंज होगा फर्स्ट सर्विसिंग पे, बाकी सारे चीज़ तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। होप गाइस ये जो मेरा सर्विसिंग एक्सपीरियंस है पहला वाला, ये आप लोगों के लिए भी प्री एक्सपीरियंस होगा जाने से पहले अगर वीडियो को देख रहे हो सर्विसिंग कराने। यहाँ पे थोड़ा लुब्रिकेंट ऐड किया जा रहा है, भैया ने थोड़ा सा लुब्रिकेंट लाया है स्मूथनेस के लिए, थोड़ा थोड़ा लुब्रिकेंट डाला जा रहा है। अभी बाइक को स्टार्ट किया गया है थोड़ा गियर को चेक करने के लिए और ब्रेक को चेक करने के लिए, ब्रेक और गियर को भी अभी चेक किया जा रहा है क्योंकि हमने गियर चेंज पे भी देखा थोड़ा प्रेशर ज़्यादा चाहिए, इतना स्मूथ नहीं रहता, तो फर्स्ट सर्विसिंग के बाद शायद ये स्मूथ हो जाए। और बाकी ब्रेक जो है आप लोगों को पहले ही बोला, वो तो थोड़ा सा समस्या था मेरा क्योंकि ब्रेक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लेट से लगता है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रख के चेक किया जा रहा है अभी। सो गाइस बाइक सर्विसिंग ऑलमोस्ट ख़त्म था, मगर अभी देखने के लिए मिल रहा है जैसे ही हम लोगों का मीटर ऑन हो रहा है वहाँ पे MI एक पॉइंट आ रहा है जो कि इशू है, सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए शायद, तो इसीलिए फिर से बाइक को खोला गया है, अब सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रोसेस किया जा रहा है, अब चाहिए होगा तो MI को अपडेट किया जाएगा। अब MI क्या है उसके बारे में मुझे भी उतना नॉलेज नहीं है, मगर इतना पता चल रहा है कि जैसे ही वो ऑन होता है बटन तो वहाँ पे येलो कलर का एक टॉप एंड में ऑप्शन आ रहा है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करके दिखाता हूँ, वो आप देख सकते हो येलो कलर का टॉप में MI सिग्नल आ रहा है, तो ये सिग्नल जो है ये MI सिग्नल है, अगर ये आता है तो आप लोगों को सॉफ्टवेयर शायद आप अपडेट करना पड़ेगा बाइक का ताकि बाइक प्रोसेस स्मूथली करें, तो प्रोसेस स्मूथली होने के लिए MI को अपडेट करना पड़ेगा जिसका प्रोसेस अभी किया जा रहा है यहाँ पे।
देख सकते हो सीट कवर को ओपन किया गया है, कनेक्ट किया गया है। अब देख सकते हो लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर के साथ इसको अभी ऐड किया गया है। और ये अभी देख के मुझे तो मतलब बहुत ही शॉकिंग लग रहा है, क्या हो गया है मेरे बाइक को। सर्विसिंग होने के बाद ये सिग्नल क्यों आ गया है, तो देखते हैं ये इशू कब तक सॉर्ट आउट होता है। आप लोग भी बने रहो ताकि आपको भी फर्स्ट सर्विसिंग का एक्सपीरियंस यहाँ पे लाइव देखने के लिए मिले। तो गाइस फाइनली इंजीनियर ने उसको फिक्स कर दिया है, जो MI इशू आया था मीटर ऑन करने पे सिग्नल। तो अभी सर बताएंगे कि क्या इशू आया था और कैसे आपने फिक्स किया और क्यों ये इशू आया था। एक्चुअली ये इशू आया था, हम लोगों ने जो इसका रोटर क्लीन किया था क्लच कवर खोल के, तो क्लच कवर में आपका ऑयल टेम्परेचर सेंसर रहता है। अच्छा, वो ऑयल टेम्परेचर सेंसर हम लोगों ने काट किया था, काट करके उसको फुल डिसमेंटल किया था। अच्छा, आपका डिसमेंटल जो आपने रीफिटिंग किया, रीफिटिंग करने के बाद वो जो इशू आ गया था MI इशू आ गया था। अच्छा, तो MI इशू हम लोगों ने जब BCI से चेक किया, इसको हम लोगों ने DTC क्लियर कर दिया, अभी ओके है। अच्छा, तो अगर किसी को सर्विसिंग करते टाइम या रोड पे चलते टाइम ये MI इशू आए तो बाइक को सर्विस सेंटर पे लाना पड़ेगा। सर्विस सेंटर में लाना, क्योंकि बाहर में वो फैसिलिटी नहीं मिलेगा। अच्छा, ऑनली फॉर कोई भी जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर है हीरो का, उसी में वो सॉल्व हो सकता है। अच्छा, और ये इशू पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक मैटर को। ओनली फॉर इलेक्ट्रिक, कोई सेंसर का इशू है तो आपका उसमें दिखाई देगा, MI लाइट ओपन हो जाएगा। अच्छा, आप अभी एक बार दिखा दीजिए, ये इशू फिक्स हो गया है। अभी आप लोग देख सकते हो ये इशू जो है चला गया है, और कैसे पता चलेगा वो भी थोड़ा हमारे दर्शक के लिए बता देना। जो MI ये अभी MI लाइट दिख रहा है, MI इशू जो भी आया था हिस्ट्री कुकी रिमूव करने पे ये इशू अभी सॉर्ट आउट हो चुका है, यही इनका भी कहना था, यही ना है सर। ठीक है, तो आप लोगों को भी ऐसा इशू आ सकता है इनिशियल टाइम पे, तो घबराना नहीं है, सीधा सर्विस सेंटर बाइक को लेके आना है। ऑथोराइज सर्विस सेंटर, हीरो सर्विस सेंटर में लेके आइए, वो प्रॉब्लम है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट हम BCI सेट करेंगे, उसे कनेक्ट करेंगे तो इसमें DTC देखेंगे क्या इशू आया, उसको DTC क्लियर करेंगे तो आपका थैंक्स लॉट गिविंग मी टाइम और इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो फाइनली गाइज मैंने फर्स्ट सर्विसिंग हार्ली डेविडसन X440 का करा लिया है, और ये मेरा बाइक सर्विसिंग करने के बाद रेडी हो गया है। और अभी बात है सर्विसिंग कॉस्ट, मैंने पहले सर्विस पे कितना वेस्ट किया, तो मुझे जो पे करना पड़ा ऑलमोस्ट 3,000 रुपये मुझे यहाँ पे स्पेंड करना पड़ा। ऑयल का प्राइस पहले ही बता दिया, वहाँ पे कोई बार्गेटिंग नहीं हुआ, बाकी छोटे छोटे कुछ चीज़ें थे जिनमें थोड़ा बहुत मैंने बार्गेटिंग एडजस्टमेंट किया, फाइनली 3,000 में पूरा मामला सेट हुआ। तो आप लोग भी अगर हार्ली डेविडसन X440 को सर्विसिंग के लिए फर्स्ट टाइम लेके जा रहे हो, तो आपको याद रखना होगा आपके पॉकेट से अराउंड 3,000 का खर्चा आएगा। तो होप गाइस आप लोगों ने थरोली एंजॉय किया इस ब्लॉग को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल रहा। अगर ब्लॉग पसंद आया है तो दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हो अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मैं भी प्रोग्राम करूँ, तो बाय।